हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई हो, आप सब अच्छे होंगे। मैं भी हूँ अच्छी। कपड़े धोने के बाद में आ गई नीचे, नहा धो लिया है मैंने और बनाई है चाय। और चाय मैं पी रही हूँ, गिलासी थी नहीं तो गिलास में ले ली मैंने। और मैं पीऊँगी रस के साथ, ये है रस, दो लूँगी रस। और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। तो नहा धो के मैं हो गई रेडी, तब पी लेती हूँ चाय। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप भी पी लीजिएगा चाय। खाना बनाने के बाद मैं लेट गई थी, लेटने के बाद अब उठी हूँ और मैं बनाने लगी हूँ कलाकंद। तो देखा दूध पड़ा था, 3 किलो मेरा दूध है, तो मैंने 1 किलो दूध अलग कर लिया, 2 किलो अलग है। 2 किलो दूध का बनाऊंगी मैं छेना, पनीर बनाऊंगी, और 1 किलो दूध की बनाऊंगी मैं मलाई। दूध मेरा उबलने लगा है, अब मैं इसमें पनीर बनाऊंगी। दूध उबल चुका है मेरा, मैं कर दूंगी बंद। ये लिया मैंने विनेगर, मैंने ये आधा कप के करीब लिया है विनेगर। अब मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ी देर में ही फट जाएगा। ये पनीर बनके हो गया मेरा, कितना अच्छा रेडी, ये देखो कितना अच्छा बना। 1 किलो दूध मैंने अलग इसमें कढ़ाई में डाल दिया है, इसको चलाते चलाते गाढ़ा करूंगी। अभी उबलने लग जाएगा थोड़ी देर में। पनीर बनके मेरा हो गया रेडी, पनीर मैंने बना लिया। अब ये ठंडा हो रहा है, इसको मैं चला चला के करूंगी गाढ़ा, और चलाते ही रहना है क्योंकि ये लगना नहीं चाहिए साइडों पर। ये दूध में जब तक चलाऊंगी जब तक ये दूध 200 ग्राम ना रह जाए, क्योंकि मेरा किलो दूध है। पनीर हो गया ठंडा और मैं इसको करती हूँ मैश। ये दूध मेरा होने लगा गाढ़ा, ये देखो। तो अब मैं इसमें डालूंगी चीनी 100 ग्राम के करीब। अब मैं चीनी डाल रही हूँ, मेरे पास ड्राई फ्रूट नहीं है तो मैं सिंपल जे ही बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के कहने पर। थोड़े से बादाम पिसे हुए हैं, ये मैं डाल दूंगी, थोड़े से बचे हैं, बच्चों के दूध के लिए पीसे थे, बच्चों को दूध में डालती थी। अब दूध हमारा हो चुका बिल्कुल गाढ़ा, ये देखो। अब मैं ये डाल देती हूँ बादाम पिसी हुई थोड़ी सी। अब मैं इसमें मिलाऊंगी पनीर जो मैंने मैश करके रखा था, अब मैं मिलाऊंगी ये, और मैं इसको अच्छी तरह चलाऊंगी अभी। इसकी ये पहचान है क्योंकि जब कढ़ाई है इकट्ठी हो जाए अपने आप। ये देखो मेरी बन चुकी है, बस अब थोड़ी सी कसार है 2-3 मिनट की, कलाकंद मेरी हो गई है रेडी। कलाकंद हो गई मेरी बन के रेडी, और मैं इसमें प्लेट में लगा लेती हूँ घी थोड़ा सा, और मैं अब इसमें डालूंगी। ये मेरी कलाकंद बन के होगी रेडी, अब मैं इसको करूंगी ठंडा, 2 घंटे बाद इसको फिर दिखाऊंगी आपको।
ये 2 घंटे हो चुके हैं मेरी कलाकंद को, और ये आज मैंने ज़्यादा मैश नहीं किया था इसको, क्योंकि मैंने दानेदार रखनी थी इसलिए। और ये साइडों से मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास चौरस से ट्रे नहीं थी, तो इसलिए मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि चौरस के पीस बनाऊंगी और मैं ये गोल वाला साइड पे निकाल दूंगी। ये देखो कितने ही दानेदार बनी है, ये बहुत टेस्टी बनी है सच में। कभी बना के आप भी देखें घर में, शुद्ध शाकाहारी बहुत बढ़िया है। शाकाहारी तो सभी होती हैं, शुद्ध है, बाजार की तो मिलावटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये शुद्ध है। कलाकंद बहुत टेस्टी बनी है। Thank you.